हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि इस साल लिनोवो ने और एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है? जी हाँ, एक बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन डिस्प्ले और बेहतरीन बैकअप के साथ और ढेर सारे स्टोरेज के साथ इस साल अप्रैल और नहीं तो मई महीने में एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है लिनोवो ने। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कौन सा फ़ोन लिनोवो इस साल लॉन्च करने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इस साल लिनोवो ने जो फ़ोन लॉन्च करने का दावा किया है वो फ़ोन का नाम है लिनोवो Z6 Pro। बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है, ये फ़ोन पिछले साल जो फ़ोन लॉन्च किया था उन्होंने Z5 Pro और Z5, तो Z5 Pro और Z5 का ही अपग्रेड वर्शन है ये। तो जितना लिनोवो से पता चला है, लिनोवो ने बताया है क्या इस फ़ोन में कुछ अपग्रेड दिया गया है जिस के दौरान इस फ़ोन को ज़्यादा अच्छा भी बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहले ही देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में पहले हम बात करते हैं कैमरा को लेकर। कैमरा इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा खास है, कैमरा को लेकर ही ज़्यादा बातें मार्केट में हो रहा है, क्योंकि कैमरा कुछ खास दिया गया है इसमें। लिनोवो की तरफ से बताया गया कि इसमें 100 मेगापिक्सल का इमेज आप ले सकते हैं। आप सोचिए, 100 मेगापिक्सल का इमेज अगर आप ले सकते हैं तो कैमरा आपका कितना बढ़िया होगा इसमें। साथ ही साथ इसमें हाइपर विजन फोटो आप ले सकते हैं, हाइपर विजन वीडियो आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइपर विजन कैमरा भी दिया गया है। जितना जानकारी मुझे है और जहाँ से भी कुछ इधर उधर से मिला है, तो दो रेयर कैमरा दिया गया है और दो सेल्फी कैमरा दिया गया है। दो रेयर कैमरा दिया गया है, उसमें एक 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का और एक कैमरा है। और जो दो सेल्फी कैमरा दिया गया है, एक तो है 32 मेगापिक्सल का है और एक 2 मेगापिक्सल का है। साथ ही साथ आपको डुअल कलर LED फ्लैश मिलने वाला है और फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और साथ टच ऑटो फोकस और कंटिन्यू जो फोटो शूटिंग है वो भी मिलने वाला है। पैनोरामा मोड मिलने वाला है और आप जिस तरीके से तस्वीर आप खींचेंगे और जो वीडियो बनाएंगे उसका क्वालिटी होने वाला है, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी का वीडियो और तस्वीर आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर कैमरा के तरफ से देखें तो आप अगर रेटिंग देना चाहें तो हम आपको यही बताएंगे क्या कैमरा बहुत बढ़िया है और हम आपको आराम इसे रेटिंग देते हैं 10 out of 10। तो अब आते हैं फ्रेंड्स इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले भी इसका बढ़िया है। 6.59 इंच का एक डिस्प्ले दिया गया है और फुल HD है। रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है और फुल HD रेजोल्यूशन है। साथ में आपको कैपेसिटी टच स्क्रीन और मल्टी टच स्क्रीन फैसिलिटी भी मिलेगा और 339 रेजोल्यूशन डेंसिटी भी है इसमें और स्क्रीन रेशियो है 15:9 स्क्रीन रेशियो में इसको लॉन्च करने वाला है। तो आप आते हैं सर फ्रेंड्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें Android 9 इस्तेमाल किया गया है और प्रोसेसर ऑक्टाकोर। लेकिन प्रोसेसर पे भी एक खास बात है ये कि प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया इन लोगों ने वो है Snapdragon 855, एक बेहतरीन प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्या प्रोसेसर। अब आते हैं इसका स्टोरेज। देखिए, स्टोरेज के बारे में कुछ ऐसा खबर भी मिल रहा है, स्टोरेज इसमें ह्यूज स्टोरेज दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो इसमें दो वेरिएंट में आता है, एक 8 GB का है और एक 12 GB का रैम है। साथ में इसका जो स्टोरेज है वो 512 GB और 128 GB का दो स्टोरेज मिल रहा है और SD कार्ड फैसिलिटी 1 TB के आसपास है। इसके साथ आपको और भी कुछ मिल रहा है, जैसे एक गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है आपको डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए और अंडर डिस्प्ले एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। साथ ही साथ USB पोर्ट मिल रहा है OC टाइप का और 3.5 ऑडियो जैक मिल रहा है। और भी है इसमें बहुत कुछ सारे, जैसे डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी है। तो
तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इस फ़ोन में बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिया गया है, और इसका लॉन्च डेट जब तक लॉन्च डेट तो फ्रेंड्स जहाँ तक खबर मिला है, लॉन्च पूरा विश्व में यानी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है अप्रैल के अंत में ही, और भारतवर्ष में इसको मिल जाएगा मई और नहीं तो जून महीने में मार्केट में मिल जाएगा। तो प्राइस इंडियन मार्केट में कितना प्राइस होने वाला है, देखिए जितना बढ़िया फ़ोन बताया जा रहा है उतना ही बढ़िया फ़ोन है, और स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को पता चल गया है कितना बढ़िया है। तो इस हिसाब से देखें तो लगता है कि आप 25 से 26 हज़ार रुपये इसका कीमत आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, कल मिलते हैं और एक नया फ़ोन के साथ और एक नया स्पेसिफिकेशन के साथ। गुड बाय, थैंक यू।